जैसे हम संत हो गए ना, अब मेरी जन्मभूमि में बहुत लोग मर गए, अब बहुत लोग पैदा हो गए, बहुत लोग बूढ़े हो गए, बहुत लोग मेरे साथ पढ़े थे वो भी मर गए, बूढ़े हो गए, मर गए, शिथिल हो गए। मैंने पता लगाया कि वो कहाँ हैं, बोले वो तो मर गए। तो हमने कहा ये कौन, बोले उनके लड़के ही सब। तो हमने कहा चलो कितने लड़के, बोले चार। हमने कहा अकेले मरे और चार दे गए, अच्छा है प्रॉफिट। मेरे साथ पढ़े हैं और मर गए, बूढ़े हो गए, जर्जर हो गए, खून खत्म हो गया शरीर का, सब फेल, क्योंकि जीना नहीं आया और सत्संग सुन नहीं पाए। कभी जन्मभूमि प्रोग्राम हुआ तो एक बार सुने, एक इंजेक्शन से तो बीमारी दूर नहीं होगी, बड़ी दुर्दशा। लेकिन अब ना उनके जन्म लेने की मुझे सूचना है, ना मरने की सूचना है, और ना कोई उसका दुख है, ना सुख है, सब उस झंझट से पार हो गए। जैसे तुम जिस लड़की से विवाह करते हो तो उसके दुख सुख से तुम प्रभावित होने लग जाते हो, लेकिन जब कोर्ट में छोड़ौती हो जाती है तो तुम ये मनाते हो कैसे या दुखमा पड़े तो ठीक है, और जब उसको कोई दुख पड़ता है तो तुम खुश होते हो। तुम वही हो जब उससे जुड़े से मोह से, तो उसका दुख तुम्हारा दुख बन जाता था, अब तुम उससे टूट गए हो तो तुम सोचते हो ये दुखी हो तो ज़्यादा ठीक है, उसके दुख में खुश होते हो। तो ये मोह के कारण ही सब दुख होता है, अंदर से चुपके से कोई जान ना पाए, और मोह के तागे को तोड़ दो फट से, किसी को बताओ मत कि हमने ये तागा तोड़ दिया। ऊपर से हंसते रहो, मिलते रहो, सजय हो, बोलते रहो मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी माँ है, मेरी दादी है, और मेरी कुतिया है, और मेरी भैंस है, और मेरा ये, अंदर से बिल्कुल खत्म। ये कला सीखो, मूंज में से जैसे सीख खींच ली जाती है, धान में से चावल खींच कर निकाल लिया जाता है, ऐसे इस माया मोह से स्वयं को खींच कर बाहर निकाल लो तो आप दुखों की चोटों से बच सकते हो। जल में कमल जैसा रहना सीखो। ऐसा है स्वरूप जाही दुख को न दर्श, जहां करी शर्म देख लीजिए स्वतः को रहना। सहे स्वरूप जाही दुख को न दर्श, जहाँ करी शर्म देख लीजे स्वतः को रहना। सत्य है स्वरूप निज सत्य ही को बोध, जब सत्य स्वच्छ ध्येय पाली जल न गबड़ना। नित्य तृप्त निश्चिक्र निर्विघ्न निरचाह, हानि लाभ द्वंद्व तजी मन ही न जाना। सुंघन में सुख कहाँ ख्वाही से प्रबल होत, इत उत जाई मन ताही बिन चैन ना। विशाल देव बहुत मजेदार कहते हैं, किसी चीज को सुंघने में भी सुख नहीं है, सुंघते सुंघते तुम थक जाओगे, देखने में भी सुख नहीं, देखते देखते आंखें थक जाएंगी, और किसी चीज को खाने में भी सुख नहीं, खाते खाते पेट फूट जाएगा, फिर खाना छोड़ना पड़ेगा, तबीयत खराब हो जाएगी। और किसी भी संसार, जब मैं पहली बार काठमांडू गया, बस में बैठकर नेपालगंज से बैठा, तो मैंने पहली बार जिंदगी में पहाड़ देखा था। उम्र थी उस समय 22-23 साल, साधु बना था और गुरुजी लेकर चल दिए नेपाल मुझको कि चलो लोट का मंडल उठाओ। तो अब मेरा कहीं जाने का मन नहीं होता था, क्यों नहीं होता था, क्योंकि वहाँ बहुत लोगों की भीड़ होती थी तो सबके बीच में शर्म लगती थी, और जो देखो वो हमको पूछते रहे, ये बाबा कौन है, ये महात्मा कहाँ से है, कहाँ नाम इनका है, अरे हमारे पिंड क्यों पर भैया उधर बात करो। लेकिन लोग कोच कोच के अब मुझे सब पसीना छूटे, कहाँ अब हम छिप जाइए दीवाल, हम घुस जाइए। अब से उसमें आदमी औरतें सब भीड़ भड़का, लेकिन अब गुरु के साथ जाना पड़ता था।
जाना भी चाहिए, गुरु की आज्ञा है और जाना जरूरी भी है। तो वहाँ गए तो सबसे पहले जब पहाड़ देखा तो मैं पहाड़ देखता ही रहा, फिर 12 बजे रात तक देखता रहा मैं। 6 बजे से बस चली, 12 बजे रात तक आँखें सब लाल हो गई, ललाई आ गई। एक से एक पहाड़, छोटे पहाड़, टेढ़े पहाड़, बड़े पहाड़, हरे भरे पहाड़, चट्टानी पहाड़, फटे पहाड़, गिरे पहाड़, ऊपर पहाड़, साइड पहाड़। हमारे साथ जो बैठे थे संचालक साहब, वो हम एक ही पास बैठते थे, वो जो बुजुर्ग हैं यहाँ डंडा पीटत रहा था, तो वो कह रहे थे अब सो जाओ। तो हमने कहा पहली बार देखा, आखिरी आंखें थक गई, फिर नींद आ गई, फिर देखने का मन खत्म हो गया। तो देखने में सुख नहीं रूप सब मिले, छूटे ख्वाहिश में बांधी बांधी करे उदगिर है। ख्वाहिश पैदा होती और देखें और देखें, ये पहाड़ वो पहाड़, लेकिन उससे कोई तृप्ति मिलने वाली नहीं है। जहाँ तक दुख देखो सब ही को मूल भोग, दुख से डरत नित भोग प्रिय ध्यावते। समझे परत नहीं बात यह थोरी, ऐसे विविधि उपाय करी दुख ही मिटावते। विशाल देव कहते हैं संसार में जहाँ तक दुख है मनुष्य को, आज बड़ी मूल बात बता देता हूँ, समझना इस बात को, उसका मेन कारण है भोग, भोग विलास, विषय भोग। जब जीव फसो विषय भव माही, सब सुख छीण भयो छिन माही। जब जीव फसो विषय भव माही, सब सुख छीण भयो छिन माही। ये संसार में ये रूप विषय, शब्द विषय, स्पर्श विषय, गंध विषय, रस विषय, इन विषयों के जो भोग हैं, इन भोग में जितना तुम आकर्षित होगे, जितना ज़्यादा फंसोगे, धसोगे, लसोगे, उतना ज़्यादा तुम दुखी रहोगे। जैसे मैं क्यों सुखी हूँ, नहीं देखन की चाह है नहीं सूंघन की चाह। देखिए, नहीं स्वाद लेन की चाह नहीं केवल तन निर्वाह। मेरा भोजन बड़े गुरुजी ने खाया 2-3 दिन, तो बोले ये तो बिल्कुल बेकार है। हमारे भंडारी से बोले कि बहुत इमा तो कुछ स्वाद ही नहीं, बिल्कुल बेकार, इसी तरह का खाते हो? बोले हाँ इसी तरह खाते। तो भंडारी से हमने पूछा गुरुजी को पसंद है कि नहीं, बोले गुरुजी कह रहे हैं इमा कोई स्वाद नहीं तो बेकार है। तो हम कहें तो अब गुरुजी का हमारा एक ही में भोजन बनता है, तो उसमें गुरुजी के अनुकूल बना दो, थोड़ा मिर्चा डाल दो और थोड़ा नमक बढ़ा दो। थोड़ा डाला तो गुरुजी बोले अब ठीक है। तो फिर हमारा भंडारी हमसे पूछा कि तुम्हारे लिए ठीक है कि नहीं, हमें कहना हमारे लिए ठीक है, क्योंकि अब जो गुरु ठीक है वो हम ठीक माने चाहिए। अब 17 लोग 17 प्रकार बताई हो तो बनवैया आदमी तो चूल्हा वूल्हा फोड़ के जाई भाग। हैरान हो जी हाँ, इतना आइटम कहाँ से अलग अलग सबका। तो उन्होंने जो है अब उनकी पसंद में हमने पसंद कर लिया है। और यहाँ नहीं, मैंने घर से ही सब स्वाद वाद छोड़ दिया था। घर पे ही 3 साल पहले ही दूध घी शक्कर सब छोड़ दिया था, किसी को कहना भी छोड़ दिया था कि भोजन गलत बना कि सही बना हो, चाहे जैस बना हो, चुपचाप खा लेना है और चुपचाप निकल जाना है। और वहीं से साधु का काम शुरू कर दिया था, घर ही से। जब मैं भोजन खाने जाता था तो मैं अपने बड़े भाई की पत्नी से बता दिया था, मैं उसको कभी भाभी नहीं कहता था, मैं कहता था आप जो है मैं जब भोजन खाने आऊँगा तो रसोई से अपने कमरे में चली जाना, तुम मुझे मत परोसना। तो माता जी कहती थी क्यों बनाती ये हैं परोसेंगी नहीं तो क्यों नहीं परोसेंगी,
हमने कहा इससे आकर्षण होता है, तो ये दूर रहें, या तो बहन परोसे की, या तुम परोसोगी माता जी, या मैं खुद परोस लूँगा, लेकिन भाभी के सामने ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, मन चंचल हो सकता है। बोले तो तुम अभी बाबा जी हो गए? हम कहें अभी से तैयारी हो चुकी है। और मैं घर से ही किसी को अपने साथ गाड़ी नहीं बिठाता था, किसी लेडीज को बंद कर दिया। हमने कहा बस हम महात्मा हो ही गए, क्योंकि लेडीज बिठाऊंगा, कोई देखेगा वो सोचेगा कि इनके साथ में पहले से कुछ इनका साठ गाठ कनेक्शन हुई, फालतू बदनामी। हमने कहा पूरा नियम वहीं से पालन शुरू कर दिया, खाने पीने का चटोरापन सब खत्म, कुछ नहीं। पहले भी नहीं था चटोरापन, लेकिन जिस दिन से संत होने का संकल्प लिया तो पूरा कपड़ों का भी लफड़ा खत्म। कभी जिंदगी में कपड़ा खरीदने गया ही नहीं मैं अपने लिए, जो कोई ला कर दे दे, जो पिताजी ला देते थे खद्दर वद्दर वही पहन लेते थे, और यहाँ जो गुरुजी ला देते थे वो पहन लेते थे, अब जो ये भक्त लोग ला देते हो गीता देवी वही पहन लेते हैं, उसी में सेटिंग कर लेते हैं, अब जो जैसा बने वाला उसे काट कोटी पहन लो, अब ज़्यादा तुम तिकड़म बताई हो इतना कोई न खरीद पाई। उसी में संतोष करो, संसार में सुख पाना है तो बस। नहीं देखन की चाह है, नहीं सूंघन की चाह, नहीं घूमन की चाह है, केवल तन निर्वाह। मैं हांगकांग गया, लोगों ने मुझसे कहा डिज्नीलैंड देख लो, हमने कहा न इंग्लैंड न स्विट्जरलैंड न डिज्नीलैंड न थाईलैंड न फाईलैंड, हम देखेंगे कुछ भी नहीं। तो बोले यहाँ आए क्यों फिर? हमने कहा हम देखने आए ही नहीं, हम तो सत्संग के लिए आए हैं। तो बोले आपको ले चलेंगे वहाँ तक। हमने कहा ले भले चलो, उसके अंदर नहीं जाएंगे हम। वहाँ गए, हमने कहा मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो बाहर बैठा रहूँ, हमें देखने कुछ इच्छा ही नहीं, ना शेर बाघ देखने की इच्छा है, ना जंगल देखने की इच्छा है, और ना कोई कुछ देखने की इच्छा है, सिर्फ अपनी आत्मा को देख लिया बस। तुम आत्मा हो मेरी, हम परमात्मा तेरे, परमात्मा तेरे। तुम आत्मा हो मेरी, हम परमात्मा तेरे, निस दिन जपता तेरा नाम, मेरे आधार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो, नैया पार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो, निस दिन जपता तेरा नाम, मेरे आधार तुम ही हो। हमें आत्मा है तेरी, तुम परमात्मा मेरे, परमात्मा मेरे, परमात्मा मेरे। इस आश्रम में हम रहते हैं, मुझे मेरे कमरे से निकलने का भी मन नहीं होता, ऊपर से नीचे उतरने का मन नहीं, इस सड़क पर टहलने का भी मन खत्म हो गया, यहाँ अंदर भी। जो शांति और सुख मिलता है अंतर ध्यान में, वो कहीं नहीं। बहुत सुखी। आज मुझे लखीमपुर एक प्रोग्राम में जाना पड़ा, तो बड़ी हिम्मत करके गए, उसको दो तीन बार कैंसिल की, तो संत लोग जुटे, बोले कभी आप गए ही नहीं हैं वहाँ, और अपना ही आश्रम है, अपनी ही शाखा ब्रांच है, वहाँ तुम गए ही नहीं, एक बार देख तो लो, जरा चरण रख दो। तो हम फिर आज गए, तो उसको दो मिनट में बस दौड़ के बस हो गया, चलो ठीक, क्योंकि वो विभाग मेरा नहीं है, वो संतों का विभाग है, और जो दूसरे के विभाग में बहुत झांकता है उसका खुद का डिपार्टमेंट चौपट हो जाता है। मेरा विभाग सत्संग का है, भक्ति का है, गुरुदीक्षा देने का है, दर्शन देने का है, मेरा विभाग ज्ञान सुनाने का है, यही है कि नहीं है जी। बलदेव प्रसाद बोलो जी। यही मेरा विभाग है, दर्शन दो, ज्ञान सुनो, इधर उधर उमा का देखत फालतू। तो ऐसा ऐसे अंतर्मुख होना सीखो और बुद्धिमान भी बनो,
उल्लुल जुल्लुल काम मत करो, साफ सुथरा सिटिंग रखो, अच्छा मकान भी बनाओ। अच्छे मकान से भी तुम्हें शांति मिलेगी, अच्छी गाड़ी रखो उससे भी शांति मिलेगी, अच्छे रिश्तेदार चुनो उससे भी शांति मिलेगी, अच्छा दामाद चुनो, अच्छा समधी चुनो, अपने पुत्र पुत्री को भी अच्छे संस्कार दो उससे भी शांति मिलेगी आपको, अच्छे रिश्तेदार चुनो, अच्छे मित्र चुनो, अच्छे कर्मचारी चुनो, अच्छे लोगों के साथ में अपना रिलेशन जोड़ो, आपको बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। जितने गलत लोग आपके नेटवर्क में आपके चैनल में जुड़ते जाएंगे आपकी शांति को खत्म करते चले जाएंगे। आपकी पत्नी भी समझदार हो, पति भी समझदार हो, अगर जो पति पत्नी समझदार हैं उनके घर में कलह कलेश नहीं होता है, चुपचाप शांति से रहते हैं, और जिनकी विवेक नहीं है वो रोज झगड़ते रहते हैं, उलझन में पड़े रहते हैं। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब संतो बोले ते जग मारी, अने बोले ते कैसे बनी है, शब्द ही कोई ना विचारे, संतो बोले ते जग मारे। ज्ञानी को बोलना चाहिए, समझदार को बोलना चाहिए, अनुभवी को बोलना चाहिए, सुलझे हुए व्यक्ति को बोलना चाहिए, और इनकी वाणी को ध्यान से सुनना चाहिए। स्वामी की वाणी सुनना चाहिए, प्रभु की वाणी सुनना चाहिए, महान पुरुषों की वाणी सुनना चाहिए, माता पिता की वाणी सुनना चाहिए, और माता पिता की सेवा भी करना चाहिए। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से सभी भांति, इनकी सेवा सब भांति करना है। किसकी? गुरु माता पिता बंधु, साई माने स्वामी और सुर माने देवता, इनकी सेवा सब भांति कीजिए। से यही सब ही प्राण की नाई, गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, सबनी प्राण की नाई। स्वामी कौन? स्त्री का स्वामी उसका पति है, सभी का स्वामी गुरु है, शिष्यों का स्वामी, भक्तों का स्वामी गुरु है। स्वामी यानी जो हमारी जिंदगी की रक्षा करता है, जिंदगी को मार्गदर्शन देता है, वो स्वामी है। इनकी सेवा अपने प्राणों के समान करना चाहिए। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से इन्हीं प्राण की नाई। ये सुमित्रा लक्ष्मण को समझा रही कि हे लक्ष्मण, इनकी सेवा प्राणों के समान करनी चाहिए। तुम जा रहे हो वनवास, तो एक बात को याद रखना लक्ष्मण, जेही विधि राम न बन लहाई कलेशु, सोई सुत करियो इहै उपदेशु। जिस प्रकार से राम को किसी प्रकार कष्ट न मिले वही वन में जाकर के तुम करना, यही मेरा अंतिम उपदेश है। और ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण मैं नहीं सुनाऊंगी, लेकिन राम को तकलीफ न होने पाए इसकी ड्यूटी तुम्हारी रहेगी। जाओ सेवा करो। मन बचे क्रम करहु सेवकाई।